आज की वीडियो में हम देखेंगे रेनबो क्या होता है। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको रेनबो के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार रेनबो बनता है और क्यों बनता है। अब ये एक लाइट का ही भाग है, रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से ये बनता है। अब देखिए ये क्यों बनता है। आपने देखा ही होगा, जब बारिश होती है, जब सूरज भी निकलता है और बारिश भी होती है, मतलब कम बादल रहते हैं, इसकी वजह से हमें सूरज दिखाई देता है और बाद में बारिश भी होती है। अब वो बारिश होती है तब जो सूरज की किरणें होती है वो नीचे ज़मीन पर आती है, तब रेनबो तैयार होता है। अब देखिए, आप देख ही सकते हैं रेनबो में 7 कलर होते हैं। अब ये 7 कलर आपको पता ही होगा, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में भी 7 कलर्स रहते हैं और उस 7 कलर के मिलकर एक वाइट कलर रहता है। हमें वाइट कलर दिखाई देता है, उसके बाद वो जब ग्लास में जाता है, उसके बाद उसका सेपरेशन होता है और अलग अलग कलर दिखते हैं। उन अलग अलग कलर की वजह से हम उसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब सेपरेशन ऑफ लाइट मीन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखिए, रेनबो की केस में भी ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे कोई कांच नहीं रहती, पानी रहता है। देखिए किस प्रकार यह होता है। देखिए दोस्तों, जब पानी गिरता है, मतलब बारिश गिर रही होती है, तब जो सूरज की किरणें होती है वो ज़मीन पर आती है, वो आते वक्त वो बारिश के पानी से रिफ्रैक्शन होती रहती है। अभी उस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो रेनबो क्रिएट होता है। अब देखिए, जब वो पानी में जाती है तब उसका रिफ्रैक्शन होता है और पानी की बहुत सारी बूंदें होने की वजह से वो रिफ्लेक्टेड होती रहती है और हमें अर्ध गोल रेनबो दिखाई देता है। इस प्रकार रेनबो बनता है। अब देखिए, इसमें सिंपल साइंस है, ये पानी में इसका रिफ्लेक्शन होता है और उसकी वजह से ही रेनबो क्रिएट होता है। अब देखिए, हम यदि देखने जाए कि किस प्रकार कोई आपको रेनबो बिना बारिश के देखना है। अब देखिए, ये हमेशा क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जो बादल होते हैं वो सबसे ज़्यादा हो तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती और सूरज की किरणें अच्छे से पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जब कम बादल होते हैं तब सूरज की किरणें अच्छे से पहुंच पाती है और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से रेनबो क्रिएट हो जाता है। अब देखिए, आपको यदि ये रेनबो देखना हो तो आप क्या कीजिए, एक प्लास्टिक की बिस्लरी बॉटल लीजिए, उसमें पानी डालिए और वाइट लाइट उस पर छोड़िए, आपको दिखाई देगा कुछ अलग अलग कलर आपको दिखाई देंगे। वो रेनबो के समान अपना शेप तो नहीं बनाएगा, लेकिन आपको रेनबो दिखाई देगा, अलग अलग 7 कलर आपको दिखाई देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।